hello everyone welcome to pharmaizer i post videos on pharmacy related subjects explain both in hindi and english in a very simple and easy way so if you all find my videos useful for your studies don't forget to like and share my video and subscribe to my channel uh, so today we will discuss about evaporation it is the part 3 in which we will uh, study the climbing film evaporator as well as forced circulation evaporator so for various previous पार्ट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर विच इज ऑल्सो नोन एज राइजिंग फिल्म इवोपरेटर सो द बेसिक प्रिंसिपल हेयर इज कि यहाँ पे आपका एक हीटिंग uh, सोर्स रहता है विच इज आउटसाइड द चेंबर लाइक uh, like, आप लोगों ने स्टीम इवापोरेटर स्टीम जैकेटेड इवापोरेटर देखा या वेरियस कोई भी इवापोरेटर्स अगर आप देखते हो तो उससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है मैं जब कंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग देखोगे इसका जो हीटिंग सेट है दैट इज आउटसाइड एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज़ कि स्टीम जो है जो आपका इवापोरेशन होगा द लिक्विड जो इवापोरेट होगा दैट इज़ ड्यू टू स्टीम स्टीम इज़ द हीट सोर्स विच विल लेट योर लिक्विड इवापोरेट एंड लिक्विड जो है वो बेसिकली आपका फ्रॉम द बॉटम पोर्शन से हीटिंग चेम्बर के अंदर जाता है एंड फ्राम देअर जो आपका लिक्विड वो स्टीम बनता है यानी कि वेपराइज होने लगता है एंड देन स्मॉल बबल्स की तरह वो पहले बनता है जब वो हीट होता है एंड वही स्मॉल बबल्स आपके लार्ज बबल्स बनते हैं एनी वेज बाई दिस इवाप्रेशन होते हुए ऊपर जाता है एंड देन बाई देयर इट इज़ कलेक्टेड एज वेपर सो एनी वेज आपको कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं एंड वर्किंग प्रिंसिपल में आप लोग ऑल टुगेदर बेटर वे में जान पाओगे सो कंस्ट्रक्शन हियर इज हिरिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स सो लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब्स आर हेल्प बिटवीन द टू प्लेट्स डिफ्लेक्टर प्लेसड एट द टॉप ऑफ

जो बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन है बेसिकली यहाँ पर क्या है स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स है यानी कि क्या है कि मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि इसमें आपका क्या है कि जो हीट सोर्स है वो चैम्बर के बाहर है एंड चैम्बर के बाहर जो हीट सोर्स है वहाँ पर स्टीम्स के लिए जैकेटेड बने हुए ट्यूब्स है यानी कि दो प्लेट्स एज आई टोल्ड यू ऑल दैट देयर आर टू प्लेट्स सो बिटवीन टू प्लेट्स एक ट्यूब है प्लेट्स ट्यूब्स को होल्ड करता है एंड वो जो प्लेट्स है जो कि ट्यूब्स को होल्ड करता है एंड ट्यूब्स जो है वो स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स है यानी कि ट्यूब्स के चारों तरफ स्टीम्स के लिए जैकेट्स बने हुए हैं थ्रू विच स्टीम आपका जो है वो रोटेट करता है एंड रोटेट करने से ट्यूब गर्म होता है एंड व्हेन द ट्यूब गेट्स हीटेड थ्रू दैट जब आपका लिक्विड पास करता है जिस लिक्विड को आपको वेपराइजेशन कराना है जो आपका फीड है फीड लिक्विड जिसको आप उसके अंदर डालते हो मशीन में डालते हो वेपराइजेशन के लिए तो वो आपका एज द नेम इज़ देर राइजिंग फिल्म सो अकॉर्डिंग टू द नेम लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड फिल्म राइज होता है एंड फिल्म वाई इट इज़ फिल्म बिकॉज जब लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है तो वो ट्यूब से जो है ट्यूब के कॉन्टैक्ट में आता है एंड वैन द लिक्विड कम्स टू द कॉन्टेक्ट विद ट्यूब दे गेट अ फिल्म दे प्रिपेयर अ फिल्म अकॉर्डिंग द सॉरी एट द साइड ऑफ़ द ट्यूब्स इट मीन्स जब वो ऊपर जाता है तो ट्यूब के वाल पर वो एक फिल्म बनाता है लिक्विड्स का फिल्म बनता है एंड वही फ़िल्म जो है जो दीवाल से सट जाता है वाल ऑफ द ट्यूब से जो आपका स्टिक होता है फिल्म बनता है दैट इज़ स्टैगनेंट फिल्म आप लोग स्टैगनेंट फिल्म के लिए हीट ट्रांसफर अगर आप लोग स्टडी किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा स्टैगनेंट फिल्म क्या होता है तो लिक्विड्स का जो स्टेगनेंट फिल्म होता है जो किसी भी सॉलिड सरफेस यहाँ पे ट्यूब है सॉलिड सरफेस उसके ऊपर में लिक्विड्स का फिल्म बन रहा है सो so, वही फिल्म जो है वो वेपराइज होने लगते हैं एंड दस आपका लिक्विड इवोपरेट होता है दस द नेम इज आपका राइजिंग फिल्म सो एनीज़ यहाँ पर आपका क्या क्या है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन सो so बेसिकली आप लोग डायग्राम देखिए तो एज आई टोल्ड फीड के लिए नीचे की तरफ आपका प्रोविज़न बना है जहाँ से फीड लिक्विड को आप भरते हो स्टीम आपको दिख सकता है कि साइड में है जो आपका हीटिंग चेम्बर है वो अलग है एंड चेम्बर आपका जो है वो एक अलग से आपका साइड में है सो so बेसिकली आपके हीटिंग ये के अंदर हीटिंग चेंबर में स्टीम आपका जाता है एंड इन बिटवीन आपको लंबे लंबे, लंबे लाइंस दिख रहे होंगे पैरल लाइंस दे आर द ट्यूब्स ट्यूब्स के चारों तरफ स्टीम्स घूमते हैं जिससे कि ट्यूब आपका हीटेड हो कंडेंसेट जो है वहाँ पर आपका प्रोविज़न है कंडेंसेट के लिए भी कंडेंसेट यानी कि जो आपका स्टीम कंडेंसड हो जाता है यानी कि जो ठंडे हो जाते हैं जो स्टीम जो ठंडे होकर वापस लिक्विड बन जाते हैं वो कंडेंसेट से निकल जाते हैं इवन जो स्टीम आपका या वैक्यूम जो भी रहे जो कि नॉन कंडेंस्ड जो रहते हैं उसके लिए भी प्रोविज़न रहता है बट इट इज़ नॉट सोन इन द डाइग्राम बट उसके लिए भी रहता है कि जो स्टीम आपका ठंडा मान लीजिए नहीं हुआ बट वो रोटेट होकर के एज अ वेपर फॉर्म या फिर मान लीजिए कोई वैक्यूम अगर है विद इन द स्टीम जैकेट जहाँ पे स्टीम आपका रोटेट कर रहा है तो वो भी निकल जाएगा फ्रॉम दैट नॉन कंडेंस्ड आउटलेट नॉन कंडेंसड गैसेस आउटलेट से वहाँ से आपका वैक्यूम सॉरी आई मीन वैक्यूम तो आपका वहाँ पर रहता है अगर कोई पहले से कोई एयर मौजूद है जैकेट के अंदर तो वो एयर भी निकल जाएगा एज़ वेल एज एनी वेपर गैसेस वो भी निकल जाएगा एंड फीड इनलेट के थ्रू आपका जो है लिक्विड जिसको एवोप्रेशन करना है वो जाता है एंड देन आप देख सकते हो स्टीम के ऊपर जो है वहाँ एक्चुअली डिफ्लेक्टर रहता है डिफ्लेक्टर क्या करता है कि जो वेपर्स आता है वो उस वेपर को जो है टर्न कर देता है टूवर्ड्स द सेकेंड चैम्बर जो मेन आपको चैम्बर दिख रहा है जहाँ पर क्या होता है कि वेपर्स आपके निकल जाते यानी कि ईवरेशन आपको पता है इवोपरेशन क्यों किया जाता है कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट पाने के लिए यानी कि जिससे कि आपका लिक्विड जो है वो आपका क्या हो जाए गाढ़ा हो जाए सो so बेसिकली जब आपके सेकेंड चैम्बर में जाता है तो जो वेपर्स बन जाते हैं वो निकल जाएंगे एंड आपका जो डिफ्लेक्टर एज आई टोल्ड डिफ्लेक्टर क्या करेगा वो सारा का सारा आपका जो लिक्विड राइज हो रहा है वो सारा उधर ले जाएगा एंड उधर जाते जाते तक जो गर्म होकर वेपराइज होने लग रहा है दे विल गेट आउट ऑफ दी वेपर आउटलेट जो आपको टॉप में दिख रहा है एंड जो कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट होगा जिससे कि सॉल्वेंट डिक्रीज हो चुका है सॉल्वेंट रिमूव हो जाता है मैक्सिमम कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट वो आपको डाउन पोर्शन में जो प्रोडक्ट आउटलेट है वहाँ से मिल जाता है

As a result, liquid becomes vapor. Okay. Now, the small bubbles which are formed within the liquid, they merge or fuse together, and the small bubbles form a large bubbles. लार्ज मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें क्या होता है बेसिकली लिक्विड्स में बबल्स आते हैं आपको पता है जब बॉयल बॉइलिंग होता है किसी भी लिक्विड में तो बबल्स बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बबल्स बनने के बाद वो फ्यूज होते हैं देन बबल्स क्यों बनते हैं क्योंकि लिक्विड्स के अंदर ईयर ट्रैप होते हैं वही ईयर्स जो है ट्रैप होते हैं जिसकी वजह से बबल्स बनते हैं एंड देन वो फ्यूज होकर बड़े बड़े बबल्स बनते हैं और वही फिर आपका जब वो भी फ्यूज हो जाए तो वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाता है एनी वेज द स्लग और लिक्विड इज ब्लोन अप इन टू दूब्स नीचे से ब्लोअर रहता है जो लिक्विड को राइज करके ऊपर की तरफ ले जाता है दस लिक्विड जो है एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में जाता है डेट इज टॉप पोर्शन में जाता है एज अ रिजल्ट लिक्विड विल स्प्रेड लाइक अ फिल्म ऑन द वॉल्स एज सेड कि लिक्विड जो है वो ट्यूब के वाल पर फिल्म बनाएगा द फिल्म ऑफ द लिक्विड वेपराइजेस क्योंकि वो जो लिक्विड का फिल्म है वो कांटेक्ट में आता है ट्यूब के साथ बाकी जो लिक्विड है वो फ्लो कर जाएगा ब्लोअर की वजह से वो फ्लो करते हुए आपका चेंबर में चला जाएगा बट जो फिल्म बन जाएगा जिस लिक्विड का फिल्म बन जाता है ट्यूब पर वो गर्म हो जाएगा जल्दी एंड वो वेपराइज हो जाएगा वो पोर्शन आपका सॉल्वेंट का वेपराइज हो जाएगा बट जो लिक्विड फुल मोशन के साथ टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो हो जाए एंड देन वो पास हो जाए दैट विल बी द कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट वो आपका गाढ़ा होकर रह जाएगा बिकॉज मैक्सिमम सॉल्वेंट फिल्म बन जाएगा ट्यूब पर एंड दे विल इवरेट सो दैट इज रिटर्न हेयर द फिल्म और लिक्विड वेपराइज इज कंटिन्यूसली एंड फाइनली अ कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट इज ऑप टेंज आई सेड दैट कैन बी कलेक्टेड द बॉटम, द वेपर पर फ्रॉम द टॉप ऑफ द यूनिट सनी नाट दूजेज वेरियस यूजेस क्या क्या है इंसुलिन लीवर एक्सट्रैक्ट विटामिन फोम लिक्विड्स सॉरी फोमिंग लिक्विड करोसिव सोल्यूशन एटसेट्रा ये सारी जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है दैट कैन बी कंसेंट्रेटेड एज आई सेड इवोपरेशन का काम होता है कंसनट्रेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना सो so, कंसेंट्रेट किया जा सकता है बाई यूजिंग दिस क्लाइंबिंग और राइजिंग फिल्म इवापरेटर सो ना नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस सो लार्ज एरिया प्रोवाइड होता है फॉर हीटिंग ट्रांसफर आपको दिख सकता है कि हीटिंग के लिए ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिक्विड वन टाइम में जैसे स्टीम जैकेट इवापरेटर था वहाँ पर आपका जो है सो so जस्ट एक बाउल के अंदर सॉरी आई मीन स्टीम जैकेट नहीं इट वॉज़ अटल लाइक स्टीम और केटल जैकेटेड इवोपरेटर एनी वेज वहाँ पर आपको मैंने इससे पहले जो पार्ट में वीडियो डाला था वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर कम एरिया था बट यहाँ पर बेसिकली उससे ज़्यादा एरिया आपको दिख रहा है बिकॉज आउटसाइड चैम्बर में एक हीट सोर्स है जो चैम्बर कंप्लीटली हीट प्रोवाइड करता है सो so, आपके जस्ट सिंगल राउंड में ही एंड फ्यू टाइम्स के अंदर ही आपका मोस्ट ऑफ़ द लिक्विड वेपराइज हो जाएगा एंड आपको ईजिली एंड फास्ट आपको कंसिडरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा बिकॉज हीटिंग एरिया इज लार्ज दूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल बिकॉज यहाँ पर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट के नहीं होता है लाइक like आपका जो केटल लाइक इवापरेटर है लाइक स्टीम जैकेटेड इवोपरेटर इन दैट केस आपका क्या होता है कि फ्लेम से डायरेक्ट आपका स्टीम आई मीन फ्लेम या तो डायरेक्ट हीट करता है या फिर बेसिकली आपका स्टीम स्टीम जाता है स्टीम जैकेटेड है तो स्टीम जाता है एंड स्टीम बहुत डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है जो कि पानी को गर्म करता है आपके चेंबर के अंदर के पानी को गर्म करता है एंड वेपराइज करता है बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्यूब को गर्म करता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम गर्म करता है ट्यूब को एंड थ्रू द ट्यूब लिक्विड फिर आपका गर्म होता है सो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए ये बेटर है बिकॉज डायरेक्ट स्टीम या हीट सोर्स के कॉन्टैक्ट में ये नहीं आता है यूज फॉर फोम फॉर्मिंग लिक्विड्स फोम फॉर्मिंग लिक्विड्स के लिए बेटर है जो लिक्विड्स में काफ़ी ज़्यादा फोम प्रोड्यूस होता है फोम प्रोड्यूस नहीं होने देगा बिकॉज फोम्स या बबल्स जो है वो फ्यूज होकर लार्ज बबल्स बन जाएंगे एंड फिल्म सो so, आपका बनेगा ही ट्यूब के चारों तरफ जो कि वेपरेट होगा इजीली आपका लिक्विड जो है वो कंसनट्रेटेड आपको मिल जाएगा यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट बनाने में देन इंस्ट्रूमेंट नीड्स लेस स्पेस नॉट अ डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है देन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है सो so, आपका मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट होगा एंड देन लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर्ड आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टॉप पोर्शनस है जहाँ पर कि वेपर सेपरेटेड होते हैं एंड प्रोडक्ट आपका नीचे से कलेक्ट होता है प्रोडक्ट एंड वेपर सेपरेट होता है तो फॉर देट आपका जो टॉप uh, पोर्शन में जो हैड पोर्शन है वेपर हेड वो आपको जो है सो so ज़्यादा लगेगा टॉप पोर्शन लार्ज वेपर हेड पोर्शन देन नॉट फॉर विस्कर्स सॉल्टिंग एंड स्केलिंग लिक्विड्स काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड्स या फिर सॉल्टिंग जो आपका सॉल्ट फॉर्म करने लगे अदरवाइज स्केलिंग जिनमें आपको स्केलिंग नज़र आए वैसा लिक्विड जो कि गाढ़ा होने पर स्केल लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म करे, वैसा अगर स्ट्रक्चर किसी में होता है देन दे आर डिफिकल्ट टू बी कंसनट्रेटेड बाई दिस राइजिंग फिल्म इवापरेटर नेक्स्ट आपका है फोर सर्कुलेशन इवापरेटर बट बिफोर दैट टूडेज आई फैक्ट डू यू नो राइट हैंडेड पीपल लिव लॉन्गर इन कम्पेरिजन टू लेफ्ट हैंडेड जी हाँ एवरेज uh, स्टडीज़ के द्वारा पाया गया है जितने भी रिसर्च आई मीन रिसेंट जो भी डेटाज़ कलेक्ट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दैट ये पाया गया है कि एवरेज पीपल में राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड का कंपेरिजन में राइट right हैंडेड का जो लाइफ साइकिल है वो लोग ज़्यादा आपकी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ उनका होता है ज़्यादा जीते हैं लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है so now it's about four circulation evaporator the principle is in four circulation evaporator आपका क्या होता है बेसिकली द कंस्ट्रक्शन इज मोर सिमिलर टू राइजिंग evaporator बट यहाँ पे कुछ differences है लाइक लिक्विड through थ्रू द ट्यूब एट हाई प्रेशर the द of ऑफ uh, पंप वहाँ पे ब्लोअर ब्लो करता था लिक्विड को राइज करने के लिए यहाँ पे पंप है जो कि हाई प्रेशर के साथ उसको जो है ट्यूब्स की तरफ भेजता है टूअर्स दी टॉप ऑफ द ट्यूब्स वहाँ पर भेजता है टूअर्ड्स द ट्यूब दैट इज टू दी अपवर्ड पोर्शन एंड देन वो आपका पंप जो है वो उसे फोर्स करता है एंड ट्यूब से गुजरते हुए वो जो है आपका हीट होता है दैट इज़ बॉयल होने लगता है एंड बट द डिफरेंस यहाँ पर जो है दैट इज़ बॉयल होता है ऊपर जाता है बट वेपराइज होकर स्केप नहीं होता है यहाँ पर सर्कुलेशन होता है फोर्सफुली सर्कुलेशन होता है बिकॉज नेचुरल सर्कुलेशन तब होता है अगर लिक्विड डाउनवर्ड तरफ आता है बट यहाँ पे पम्प का यूज़ किया जा रहा है ताकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए एंटी ग्रेविटी सो इट इज़ अ फोर्स सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड जहाँ पे फोर्सफुली लिक्विड्स को सर्कुलेट करवाया जाता है ताकि लिक्विड्स में एजिटेशन हो एंड लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बने सो एनी वेज लिक्विड लिवस द ट्यूब एंड एंटर्स द स्टीम हैड द प्रेशर ड्रॉप सडनली this to the flashing of the द सुपर हीटेड thus the evaporation is carried out. so basically वही चीज़ें हैं कि वो ऊपर की तरफ जाता है आपके बार बार वो सर्कुलेशन करता है एंड देन जो है आपका एवोपरेशन होता है सो कंस्ट्रक्शन वर्किंग में हम डिटेल्स में इसको जानेंगे सो द कंस्ट्रक्शन हेयर इज इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स एज आई टोल्ड कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक सेम है तो यहाँ पर भी आपके स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स होते हैं जो हेल बिटवीन टू ट्यूब सीट्स या फिर जो ट्यूब प्लेट्स होता है उसके बीच में एक एक ट्यूब्स लगे रहते हैं एंड वो स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स होते हैं जिसके चारों तरफ जिन ट्यूब्स के चारों तरफ आपके स्टीम रोटेट करें द ट्यूब्स टू मीटर लॉन्ग होते हैं द पंप इज़ यूज टू फोर्स लिक्विड टू द ट्यूब्स विथ हाई वेलासिटी देन द पम्प फोर्स इज लिक्विड थ्रू इन टू दी फ्लैश चैम्बर आपके टॉप में फ्लैश चेम्बर है दैट इज़ वहाँ पर डिफ्लेक्टर लगा है जो डिफ्लेक्टर क्या करता है कि लिक्विड्स को अगेन फोर्स करता है चेम्बर की तरफ एंड चेम्बर फिर रोटेट करके वापस से पम्प के पास भेजता है लिक्विड इस तरह से रोटेट होता है अनटिल एन ले सफिशियंटली वो कंसेंट्रेट ना हो जाए सो द फ्लैश हेड कंसिस्ट ऑफ डिफ्लेक्ट एज आई टोल्ड द वेपर हैड इज ऑल्सो ज्वाइंट टू रिटर्निंग पाइप सो वेपर हैड जहाँ पर वेपर्स अलग हो जाएंगे एंड देन अगेन आपका लिक्विड जो है रिटर्न पाइप से वापस आ जाएगा सो हेर इज़ द डाइग्राम यू कैन सी द वेपर हेड जहाँ पर टॉप पोर्सन से वेपर्स कलेक्टेड होते हैं हेयर इज द डिफ्लेक्टर ये सेम सिमिलर मैकेनिज़म एंड काफ़ी हद तक सिमिलर डाइग्राम जो है वो राइजिंग फिल्म का भी होता है बट द डिफरेंस यहाँ पर रिटर्निंग पाइप है वहाँ पर रिटर्निंग पाइप नहीं होते हैं वहाँ पर ब्लोअर होते हैं जो टॉप पोर्शन में भेज देता है लिक्विड्स को यहाँ पर आपके पंप है जो कि ऊपर की, की तरफ फोर्स करके भेजता है ब्लोअर की वजह से लिक्विड्स वहाँ पर फिल्म बनाते हैं ट्यूब्स के चारों तरफ बट यहाँ पे फिल्म का कोई सीन उतना नहीं है यहाँ पर फोर्सफुली पम्प के द्वारा फोर्सफुली सारे लिक्विड्स को ऊपर की तरफ भेजा जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ऊपर जाए बॉयल होते हुए जाए वहाँ पर फिल्म वेपर बनते थे यहाँ पर लिक्विड्स बॉयल होते हैं एंड बॉयल होने की वजह से वेपर्स बन जाते हैं एंड वेपर्स बनने के बाद वेपर्स आउट हो जाते हैं थ्रू द वेपर आउटलेट बट साइक्लोन सेपरेटर का काम होता है लिक्विड एंड वेपर्स को अलग करना वेपर्स को भेज देते हैं वेपर आउटलेट से एंड लिक्विड्स जो है वो वापस आपके रिटर्निंग पाइप में आता है एज यू कैन सी द डायग्राम साइक्लोन सेपरेटर से एक पाइप बॉटम की तरफ से रिटर्न पाइप की तरफ आया एंड रिटर्न पाइप से वापस आपका जो है वो रोटेट होता है आंटिल एंड आनलेस कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिले जब आपका प्रोडक्ट सफिशेंटली कंसनट्रेटेड हो जाए देन आपका प्रोडक्ट आउटलेट आप ओपन करते हो वहाँ से आप कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हो एंड फेड के लिए भी यहाँ पर बॉटम पोर्शन में नहीं है साइड के पोर्शन में फेड इनलेट रहता है एंड रेस्ट आर सेम स्टीम देन हीटिंग ट्यूब्स देन नॉन कंड गैसेस आउटलेट कंड आउटलेट ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद है सो नाओ दर्किंग इज स्टीम जो है इट इज़ पासड इन टू दूनिट थ्रू द इनलेट प्रोवाइड सेम पंप सेंस द फीड और द लिक्विड टू द ट्यूब एट हाई वेलोसिटी एज आई टोल्ड पंप से क्या होता है वो टॉप पोर्शन में आपका लिक्विड जो है चला जाता है लिक्विड राइज होता है एंड बॉयल होता है वेन इट पासिस थ्रू द ट्यूब जो वो ट्यूब से गुजरता है ट्यूब से उसे हीट मिलती है एंड दस वो बॉयल होने लगता है द मिक्सचर ऑफ वेपर एंड लिक्विड दैट स्ट्राइक्स टू द रिफ्लेक्ट द वेपर एंड लिक्विड गेट सेपरेटेड सेपरेटेड कैसे होता है आपका जो साइक्लोन सेपरेटर है वो उसे सेपरेट कर देता है देन द लिक्विड फॉल्स डाउन अगेन देन द स्टीम एंटर्स द साइक्लोन सेपरेटर स्टीम जो है वो आपके साइक्लोन सेपरेटर में जब जाता है एंड लीव्स द यूनिट स्टीम का मतलब है आपका यहाँ पर लिक्विड के जो वेपर्स बने दैट स्टीम यहाँ पर वो स्टीम नहीं जो आपके आपको हीट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये स्टीम है द वेपर स्टीम जो आपका फेड लिक्विड का जो वेपर स्टीम है स्टीम जो है वो साइक्लोन सेपरेटर में जाता है एंड दस वहाँ से वो आपके वेपर यूनिट्स से निकल जाता है दैट इज वेपर आउटलेट से निकल जाता है दस द कंटिन्यूस सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड इस तरह से होते जाता है बार बार घूमता है जो वेपर्स बनते जाते हैं या फिर जो स्टीम होने लगते हैं वेपराइजेशन होने लगते हैं वो निकल जाता है वेपर आउटलेट से एंड रेस्ट जो लिक्विड है वो रोटेट करने लगता है एज अ रिजल्ट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म सो विच इज फाइनली कलेक्टेड यूज क्या है यहाँ पर इसका फो सर्कुलेशन एवोपरेटर आपका सुटेबल है फॉर थर्मोलेबाइल यानि कि जो आपका थर्मोलेबाइल जो आपका स्टेबल नहीं होता है मतलब हीट सेंसिटिव सबस्टांस के लिए ये भी अच्छा है बिकॉज यहाँ पर भी आपका डायरेक्ट स्टीम से हीट नहीं मिल रहा है ट्यूब के थ्रू आपको हीट मिल रहा है सो इट इज़ गुड फॉर थर्मोलेबाइल और हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट देन दिस मेथड इज़ यूज टू गेट कंसेंट्रेटेड इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट सो ये भी आपका वेरियस बायोलॉजिकल लाइक इंसुलिन एंड लीवर एक्स्ट्रैक्ट्स के लिए बेटर है नेक्स्ट आपका फो सर्कुलेशन इवोपरेटर जो है इट इज़ यूज टू कंसेंट्रेट मटेरियल डेट डिपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन वेपराइशन ये आपका उसके लिए भी बेटर है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाने लगते हैं वेपराइस मतलब जब उसमें से लिक्विड्स रिमूव होने लगे तो उनके जो उनका जो सोल्यूशन है जो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है उनमें आपको सॉलिड्स के क्रिस्टल्स नज़र आने लगेंगे एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर इवोपरेशन ऑफ कोरोसिव फोमिंग एंड विस्कस सोल्यूशन विस्कस सोल्यूशन के लिए भी जो कि आपका राइजिंग फिल्म में कमी था यहाँ पर विस्कस सोल्यूशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो फोमिंग सोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर यूज़ होगा एज वेल एज कोरोसिव डिसएडवांटेजेस बस यही है दैट इक्विपमेंट्स कॉस्ट इज मच मोर राइजिंग फिल्म से भी ज़्यादा बिकॉज हेयर आपका जो है सो पम्प है देन इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर सॉल्टिंग सोल्यूशन सॉल्टिंग सोल्यूशन के लिए ये भी आपका सुटेबल नहीं है एंड सो विद डैट टूडेज वीडियो इज कम्प्लीटेड नेक्स्ट आपका जो आएगा दैट विल बी ऑन द रेस्ट जो इवोपरेटर आपका बचा हुआ है दैट इज़ मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर एज वेल एज द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल फिल्म इवापरेटर उस पर हम वीडियोस पोस्ट करेंगे एंड वेरियस डिप्लोमास के भी जो आपके एवोपरेशन में जो भी आपकी इक्विपमेंट्स है उस पर भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी सो फॉर मोर वीडियोज इन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियोज़ फॉर इफ यस देन प्रेस द बेलाइकन टू गेट द नोटिफिकेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय